खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। भारत की कि आखिर कितने कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। कुल आंकड़ा 5,865 पहुंच चुका है। ग्राफिक्स के जरिए राज्यवार आपको दिखाते हैं कि जरा देखिए किस तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर कोरोना का आंकड़ा क्या कुछ पहुंच चुका है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, 184 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। पंजाब के अंदर अब सैकड़ा पार हो चुका है, 101 मामले सामने आ चुके हैं। बात अगर की जाए हरियाणा को जरा देखिए, हरियाणा के अंदर 147 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान के अंदर अब आंकड़े बढ़कर 430 पहुंच चुके हैं। गुजरात को देखिए, 179 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर बहुत तेजी से मामले बढ़ते हुए, महाराष्ट्र के अंदर 1,364 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं कर्नाटक के अंदर 181 मामले सामने आए हैं। जरा केरल को देखिए, 345 मामले सामने आ चुके हैं। केरल ने काफी हद तक कंट्रोल किया है। दिल्ली के अंदर 669 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश 229। इसके अलावा अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर 10 मामले सामने आ चुके हैं। लद्दाख के अंदर एक मामला बढ़ता हुआ नजर आया, 14 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर 33 मामले अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए यूपी की, तो यूपी के अंदर ये आंकड़ा 361 हो चला है। वहीं अगर बात की जाए बिहार को देखिए जरा, बिहार के अंदर ये आंकड़ा 38 हो चला है। उसके अलावा अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर आज 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये आंकड़ा 103 हो गया है। उसके अलावा ओडिशा के अंदर अब आंकड़ा बढ़कर 42 हो चुका है। 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज ओडिशा के अंदर अभी तक आ चुके हैं। तेलंगाना के अंदर यह आंकड़ा 427 हो चला है। वहीं अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर यह आंकड़ा 348 हो चला है। यानी कि 348 कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक आंध्र प्रदेश के अंदर चिन्हित किए जा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर यह आंकड़ा 738 हो चला है। मध्य प्रदेश के अंदर आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन अगर बात की जाए महाराष्ट्र, इसके अलावा तमिलनाडु और फिर राजस्थान और केरल, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि आधे कोरोना पॉजिटिव मामले इन्हीं के अंदर सामने आए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राज्यवार क्या कुछ स्थिति है, जरा इसको देखिए। मध्य प्रदेश में 229 मामले सामने आए, इनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अगला राज्य हम आपको दिखाते हैं, अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर 181 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, केरल के अंदर 345 मामले सामने आए, उनमें से 2 लोगों की मौत हो चली है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए लगभग 670 मामले और 9 लोगों की मौत इसके अंदर हो चुकी है, 669 मामले। पश्चिम बंगाल के अंदर 103 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और 5 लोगों की इसके अंदर अभी तक मौत हो चुकी है। गुजरात को जरा देखिए, गुजरात बेहद चौंकाने वाला, क्योंकि 179 मामले यहाँ सामने आए, उनमें से 16 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है, आंकड़ा काफी ज्यादा। जम्मू कश्मीर 184 मामले सामने आए, आज में 24 मामले सामने आए, कल 33 मामले सामने आए थे, 4 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को जरा देखिए, 361 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 4 लोगों की मौत हुई है। योगी सरकार काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना 427 मामले अभी तक सामने आए और उनमें से 7 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए महाराष्ट्र, बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा, 1,364 मामले पॉजिटिव सामने आए और उनमें से अगर बात की जाए तो 72 मौतें अभी तक हो चुकी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई से जुड़े हुए मामले हैं। राजस्थान को जरा देखिए, 430 मामले सामने आ चुके हैं और बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और अब मरने वालों की संख्या 8 हो चली है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है आज में। तमिलनाडु को जरा देखिए, 738 मामले सामने आए और उनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे पायदान पर तमिलनाडु, जहां बहुत तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है। पंजाब 101 मामले यहां सामने आए, लेकिन 101 के मुकाबले अगर बात की जाए तो 8 लोगों की मौत हुई, यानी कि 8% लोगों की मौत कोरोना की वजह से पंजाब के अंदर हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी और हम बार बार कह रहे हैं स्टे होम सेफ होम, घर पर रहिए सुरक्षित रहिए। नमस्कार।